के इस मामले नू बड़ी बड़े सहज नाल और बड़े संजम दे नाल बड़ी गंभीरता दे नाल सारे असी विचार के इस मामले नू हल करने का यतन करिए। गुरबाणी का पावन पवित्र फुरमान है, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो हले बुलाए, हर नामै के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। जो मिल बैठ के संजीदगी दे नाल मसले हल किए जा सकते ने, वो काली कीतियां कई बार यह जे मसले जेड़े ने वो बहुत वड्डी मुश्किल का कारण भी बनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीते दो तीन दिन तो सिख पंथ की सरमौर संस्था सरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे पंजाब सरकार वालों लए जा रहे फैसले वो पंथ विच दुबधा का कारण जिहड़ा वो बन रहे ने, क्योंकि गुरबाणी प्रसारण का जो मामला है वो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की मर्यादा के नाल जुड़िया होया। भावें कि गुरबाणी प्रसारण मर्यादा नहीं, पर गुरबाणी प्रसारण अगाँह जा के जो ऐसी मर्यादा का ख्याल रखना है वो वैसी जेकर गुरबाणी प्रसारण खुले तौर पर असी लागू कर देवे तो वह गुरबाणी प्रसारण जोड़ा है वो मर्यादा बहाल जोड़ा वो नहीं रख सकेगा। सरकार वालों पंजाब सरकार वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में दखलअंदाजी जी करनी ये बहुत ही मंदभागी है। सरकार को चाहिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में दखल अंदाजी बिल्कुल ना कर, क्योंकि अज विधानसभा दे विच इस बारे मता जिहड़ा वो पेश किया जा रहा है और मता लिआउण दी जिहड़ी कार्रवाई है ये कौमी संस्थावां नूं कमज़ोर करन वल पंजाब सरकार दा जिहड़ा है वो सीधा सीधा जिहड़ा कदम है वो होवेगा। पंजाब सरकार इस मामले विच अपनी दखल अंदाजी जिहड़ी है उहनूं बिल्कुल बंद कर दे। इस मामले बारे एस जी पी सी नूं भी निर्देश श्री अकाल तख्त साहब जी तो पंच साहब सिंह साहबान की एकत्रता दे विच जारी किए गए सन कि गुरबाणी प्रसारण बारे पहला जो आदेश श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं किया गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस आदेश नूं जल्दी तो जल्दी लागू करन दा यतन करे। और जो इस बारे हुण तक श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेशों ते हुण तक जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कार्रवाई की गई है वो जिहड़ी रिपोर्ट है वह भी जल्दी तो जल्दी श्री अकाल तख्त साहब जी विखे पेश की जाए। पंजाब सरकार दे विच और दूजियां पार्टियां दे जिहड़े सिख विधायक ने उन्होंने भी अपील की जाती है कि सिख होंदिया होया वो इस मते बारे जिहड़ा वह बिल्कुल काहली ना करन, बड़ी संजीदगी दे नाल इस मसले नू सोचिया जाए तां कि असीं सारे मिल बैठ के ढुकवां हल जिहड़ा वह कर सकीए। पंजाब सरकार दे इस फैसले दे नाल इस कदम दे नाल पंथ विच किसी प्रकार की दुविधा जिहड़ी है वह बिल्कुल पैदा ना होवे। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू भी और पंजाब सरकार नू भी अपील करदा कि यह जिहड़ा मामला इहनू मिल बैठ के हल किया जाए। सरकार दे अधिकारी भी बैठ जाण, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अधिकारी भी बैठ जाण, असीं सारे रल मिल के इस मामले नू बड़ी बड़े सहज नाल और बड़े संजम दे नाल बड़ी गंभीरता दे नाल सारे असीं विचार के इस मामले नू हल करन दा यतन करिए। गुरबाणी का पावन पवित्र फुरमान है, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबधा दूर करो हले बुलाए, हर नामै के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। जो मिल बैठ के संजीदगी दे नाल मसले हल किए जा सकते ने, वो काली कीतियां कई बार यह जे मसले जेड़े ने वो बहुत वड्डी मुश्किल का कारण भी बनते हैं। सारी जो ये अपील की गई है पंजाब सरकार ये वल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये वल तुरंत जिहड़ा ध्यान करन दी खेचल करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।